Now, one attribute of the bean tag is what? Dependency hyphen check. What is the attribute name? Dependency hyphen check. This is the attribute name. You see this? Dependency hyphen check. How many values does it have? And I say equal to has all, has default, has none. Default and none are one and the same. Default and none are one and the same. Okay. Fair. I can object simple and all. So just explore one attribute. So now let's give first one simple. Give what? Dependency check what? Simple. Okay. Is it in double quote simple? Okay. Now by simple what you have to do? जितने भी primitives है सबको आपको यहाँ से inject करना होगा. आपने एक भी primitive को छोड़ दिए तो वो error throw करेगा. ठीक है. Let's check. तो ये कौन से class का है? Bean. Player class का, right? तो player class में कितने primitives है? हाँ. J number, name, runs, matches played. ठीक है. ये string भी primitives में ही है और ये जो है ना ये भी ये लोग primitives में ही ले रहे हैं. Let's check. So or let's create a separate class and then we'll do a practical of that on that. So let's make a separate class. Okay. यहाँ पर गए package में new और class बनाए तो अपने को idea आ जाएगा कि क्या करना है. अपन एक क्लास बना देते हैं कस्टमर. क्या बना देते हैं? कस्टमर क्लास. ओके. नाउ टू दिस कस्टमर क्लास लेट्स गिव सम प्रिमिटिव्स. इंटीजर कस्टमर नंबर एंड स्ट्रिंग कस्टमर नेम एंड लेट्स गिव एरे आल्सो. स्ट्रिंग कस्टमर नेम के साथ में क्या क्या एरे का क्या होता है? एरे ऑफ प्रोडक्ट्स बॉट. क्या प्रोडक्ट्स बॉट? ओके. ये हो गए. ये तीनों प्रिमिटिव्स हो गए, राइट? और एक कस्टमर का एड्रेस भी होता है. कस्टमर का क्या होता है? एड्रेस. तो एड्रेस को रेफरेंस कर लेंगे. एड्रेस ए. हमने एड्रेस था ना इधर, उसका वो रेफरेंस कर रहे हैं. अब ये लाल क्यों नहीं हुआ? ये मैंने एड्रेस को इम्पोर्ट तो किया नहीं है, तो कायदे से ये लाल होना चाहिए था. फिर वो मैं उस लाइन पे लेके जाता तो फिर वो इंपोर्ट कराता. उसूल तो ये था ना. तो क्यों नहीं कराया उसने मुझे ऐसा? दोनों सेम पैकेज में. कस्टमर और एड्रेस दोनों भी क्या है? सेम पैकेज में. तो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. तो ये अपने हो गए सिंपल. ये अपने हो गए ऑब्जेक्ट. तो अभी अगर मैं करूँ डिपेंडेंसी चेक इक्वल टू सिंपल तो मुझे इन तीनों को कंपलसरी इंजेक्ट करना पड़ेगा. इनमें से किसी को भी छोड़ दिया मैंने तो इंजेक्ट नहीं होगा. यस नो मे बी क्लियर. सो लेट्स ट्राई टू डू इट. एंड देन एड्रेस को तो हो सकता है. तो हम करते हैं सेटर से. किसे करते हैं? सेटर से. तो राइट क्लिक सोर्स जनरेटर सेटर्स एंड आई डू फॉर ऑल एंड जनरेट. मेक सेंस? ओके. एंड देन मेक अ डिस्प्ले फंक्शन ऑल्सो विच विल डिस्प्ले पब्लिक वॉइड डिस्प्ले. कस्टमर. ओके. और अभी क्या करेंगे अपन? क्या डिस्प्ले करेंगे इधर? कस्टमर नंबर प्लस कस्टमर नेम प्लस प्रोडक्ट्स बॉट. तो ऐसे नहीं आएगा ना, वो एरे एरे में करना पड़ेगा उसको, है ना? फॉर ईच लगाना पड़ेगा उसके लिए, राइट? तो फॉर क्या? स्ट्रिंग पी कोलन कौन सा? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट्स बॉट, है ना? और फिर सिस आउट पी, राइट? कॉमा दे देंगे साथ में उसके. ओके. क्योंकि एक ही सेंटेंस है इसके लिए ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है. ओके. मेक सेंस टू यू?
and then you can give over here also something. Okay, man. Products bought space. Okay, you don't want to give print ln over here. Neither do you want to give it over here, right? Make sense? Chalo. तो ये मेरा डिस्प्ले क्या हो जाएगा, कस्टमर. अब मैं जाके इसका एक बीन बनाता हूँ. क्या बनाता हूँ इसका एक कॉन्फिग में गया, कोई भी एग्जिस्टिंग बीन अपन कर रहे किसे, सेटर से ना, सेटर वाला कॉन्टेक्ट, ये वाला कॉपी कर लो, ठीक है. और कहाँ तक लिस्ट अपन एरे भी दे रहे क्या, फिलहाल हम एरे नहीं दे रहे ना. ये निकाल दो यहाँ से और नीचे आ जाओ एकदम एंड में, बीन्स यहाँ. ओके, पेस्ट कर दिया. अगर ये आगे पीछे हो जाए ना, ये फॉर्मेट ऐसा आगे पीछे ऐसा ऐसा, तो कंट्रोल शिफ्ट एफ करके फॉर्मेट है, कंट्रोल शिफ्ट एफ, देखा, फॉर्मेट कर देता हूँ. जैसा भी आप कर सकते हो. तो अभी अपना क्या था, कस्टमर. तो C1 ले लेते हैं, इनम टेक डॉट कस्टमर प्रोटोटाइप. ओके, एंड व्हाट विल वी डू देन, DEP control shift give us the option instead of default. I will be using what, simple, which makes it mandatory for me to inject all the primitives and the arrays. If I don't inject the object, not a problem. Object ko skip kiya to problem nahi hai. To pehli property kya thi, customer number, right? So let's give customer number and what is this date, 17. Kya baat hai. And customer name, C name है ना. And दूसरा क्या है, products bought. इसके लिए अपन लाना पड़ेगा list. क्या लाना पड़ेगा, list. तो कौन सा है ये, list. Property हो गया. और प्रॉपर्टी के अंदर ये निकाल देने का फिलहाल, और क्या देने का, लिस्ट. और लिस्ट के अंदर वैल्यू, ठीक है, प्रोडक्ट्स बॉट, उसने कार लिया है, मोबाइल लिया है, लैपटॉप लिया. ओके, ये उसने प्रोडक्ट्स लिए हैं, ठीक है. अब मैंने उसको क्या नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो वो बॉम्ब मारेगा क्या, नहीं मारेगा, नहीं मारना चाहिए उसको बॉम्ब. ओके, मेक सेंस, इज इट फाइन, इज इट लुकिंग नीट एंड क्लीन. या सो बीन नेम इज C1, सो आई गो टू द ड्राइवर क्लास एंड आई टेक विच बीन, C1, एंड इट इज ऑफ विच, गिव मी व्हाट टाइप ऑफ Object, customer, and I put it in customer class ka object cust1. Okay, abhi ye kyu underline kar raha lal, kyunki isko ek alag package mein, kyunki ye kaun se package mein hai, dikh raha hai, ye alag package hai na, to abhi ye bolta hai isko import karo, to import kar lene ka usko, koi shak nahi. Okay, ab kya tha function ka naam, display customer. तो डॉट करके डी मारेंगे तो अपने आ जाएगा, कोई शक नहीं. देखते हैं लॉजिक कितना भारी. तो ये, ओ माय गॉड, आएगा वा क्या नहीं. हाय लाल सिंह, प्रोडक्ट्स बॉट कार मोबाइल एंड लैपटॉप इन वन लाइन, कोई शक. एड्रेस को मारा उसने, नहीं मारा. अब अगर मैं उसको कर देता ऑब्जेक्ट, ओके सॉरी, अभी अपना क्या दिया हुआ है, सिंपल. अब मैं जो है उसको एरे निकाल दू, क्या निकाल दू, एरे वाला पार्ट कमेंट कर दू, तो वो एरर देना चाहिए. कमेंट कैसे करते हैं इसमें, माइनस और ऐसा ना, जो एक्सएमएल का कमेंट है, ठीक है. मैंने ये प्रॉपर्टी को कमेंट कर दिया, कोई शक, ये प्रॉपर्टी पास नहीं कर रहा हूं मैं, तो बोला हूं डिपेंडेंसी चेक सिंपल. तो सिंपल बोलने से वो बोल रहा है कि मुझे सारे प्रिमिटिव्स चाहिए. अब मैंने एक प्रिमिटिव को नहीं दिया, तो बोला है सिंपल, तो ये क्या करेगा, जो
तेसिन भाई को बहुत पसंद है, देखना वो दिखाएगा वो। Run as Java application और वो अभी गंदे गंदे चालू करेगा, करेंगे नहीं समझा? क्या बोल रहा है अभी वो? एरर पढ़ने का बस, टेंशन लेने का नहीं और टेंशन देने का भी नहीं सर। मैंने ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ है सर? ये देखो एरर, एरर क्रिएट जो है ना, ये अनसैटिस्फाइड डिपेंडेंसी इन एक्सेप्शन। क्या बोल रहा है? सैटिस्फाई तूने नहीं करा, अभी आगे पढ़ने का उसके। एरर क्रिएटिंग बीन विद नेम सी वन डिफाइंड इन क्लास पाथ रिसोर्स ब्ला ब्ला ब्ला, अनसैटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सप्रेस थ्रू बीन प्रॉपर्टी प्रोडक्ट बॉट। प्रोडक्ट बॉट को सैटिस्फाई नहीं किया क्योंकि तूने सिंपल बोला है तो सारे प्रिमिटिव्स को देना पड़ेगा और तूने प्रोडक्ट बॉट को नहीं दिया। एरर पढ़ के समझ आए? सेट दिस प्रॉपर्टी वैल्यू, क्या बोलता है वो? इससे क्या सिंप्लीफाई करेंगे तुम्हारे लिए? क्या बोलता है वो? सेट दिस प्रॉपर्टी वैल्यू और डिसेबल डिपेंडेंसी चेक फॉर दिस। क्या बोलता है? अगर आप किसी बस के पीछे जा रहे हो, धुआं छोड़ रही है, क्या बोलती हो? या तो पास कर या तो बर्दाश्त कर, या तो पास कर या तो या तो बोलता है कि डिपेंडेंसी चेक दो एरे को, प्रॉपर्टी दो या तो उसको डिसेबल करो या फिर, ठीक है समझा? इससे अच्छा भी क्या बचारेंगे बोलेंगे वो लोग, अपन सर्च नहीं करते, अपने को लगता है कि क्या बोल दिया उसने। और फिर ये सारे उसका स्टैक है कि भाई कौन से एक्सेप्शन थ्रो होते हैं, ठीक है? वो एक सिंपल एक प्रिंट ट्रैक ट्रेस है। क्या है वो? प्रिंट ट्रैक ट्रेस। तो वो एक्सेप्शन का पूरा चिट्ठा पेस्ट कर देता, तो उसने वो कर दिया। सिर्फ ये लाइन पढ़ने का ऊपर वाली एरर क्यों आया, अब जाने का अपन ने अपना सेटिंग कर देने का। जबकि इसके अंदर मैंने सेट वो भी किया था एड्रेस, तो उसको तो नहीं बोम मारा इसने कि वो एड्रेस नहीं मिल रहा, बोले मेरे को क्यों नहीं मारा उसने? क्योंकि सिंपल में ऑब्जेक्ट्स को देखता ही नहीं, ठीक है? कलेक्शन देखता है क्या? चलो तसल्ली कर लेते, प्रैक्टिकल कर लेते, ठीक है? तो अभी हम एक प्रैक्टिकल कर लेते, कस्टमर में कुछ कलेक्शन डाल देते, सेट ऑफ प्रोडक्ट बॉट, और उसको हम कर देते हैं सेट ऑफ मोबाइल नंबर। एक आदमी के पास दो मोबाइल नंबर, सेट ऑफ क्या? सेट ऑफ एड्रेस। सेट को क्यों वो मार रहा है अभी वो? कि सेट एक इंटरफेस है और वो इस पैकेज में नहीं है, तो सेट को इंपोर्ट करो। सेट कहाँ मिलेगा? जाओ यूटिल में, ठीक है? हो गया। अब ये लाल लाइन से ऑरेंज लाइन हो गया, लाल से ऑरेंज हो गया, मतलब अनयूज्ड है। आपने डिक्लेयर तो किया पर का यूज नहीं कर रहे आपने कहीं भी अब तक इसको यूज नहीं किया, ये अनयूज्ड है। क्या ये क्या दिख रहा है? अनयूज्ड। तो अब क्या करने का इसको यूज करने का? क्या करेंगे अपन? एक सेटर डाल देंगे। क्या डाल देंगे? राइट क्लिक करेंगे और सोर्स में जाएंगे और इसका डाल देंगे ना, एक ही वर्ष और जनरेट कर देंगे। हो गया सेटर, ठीक है? अब अपन क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले भी करना है, इसको डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है? तो वो किसका है? ऑब्जेक्ट का होगा, ऑब्जेक्ट मोबाइल, और क्या रहेगा? मोबाइल नंबर, ठीक है? तो ये अपने मोबाइल नंबर्स हैं, साथ तो लिखना पड़ेगा ना उसको, या तो ये भी तो रिपीट होगा ना बार बार, वापस एक प्रिंट भी मार देंगे ताकि देखो एक सेंटेंस में आ जाओ पूरा। हैविंग मोबाइल नंबर्स एज ओके, प्रिंट कर दिया, तो ये आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, सारा डिस्प्ले कस्टमर सारा आ जाएगा, ठीक है? अभी अपने को इसको सेट करना है यहाँ पर। ओके, इसको सेट करा है क्या अपन ने? हाँ ओके okay, अभी अपन इसको सेट नहीं करते, समझो अपन इसका निकाल देते, इसका कमेंट्स निकाल देते। तो अगर इसके कमेंट निकालने से कोड चल जाता है, मतलब सेट जो है वो सिंपल में नहीं आता है। सेट है ना, सेट का अपन ने सेट करें, मोबाइल नंबर को सेट करें कैसे? एट्रीब्यूट्स, मोबाइल नंबर को सेट किए गए यहाँ से नहीं किए ना, और प्रॉपर्टी क्या दिए हुए, डिपेंडेंसी चेक क्या दिया हुआ है? सिंपल। तो यानी अगर ये कोड चल जाता है, मतलब सेट क्या है?
सिंपल में नहीं आता है। अगर वापस ऐसा एरर थ्रो किया उसने, मतलब समझ आया कि सेट भी क्या आता है, सिंपल में आता है। ठीक है, देखते हैं, सेव किया और फिर रन करा इसको। क्या बोल रहा है ये, हाय लाल सिंह बॉट, मोबाइल कार लैपटॉप तो एक्सेप्शन आ गया इन थ्रेड जावा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्या बोल रहा है ये, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कस्टमर के डिस्प्ले कस्टमर में नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है। हाँ, कि अपन इसको इनिशियलाइज ही नहीं करे हैं। ओके, तो अपने को यहाँ पर कुछ सेट करना पड़ेगा। तो कॉन्फिग बीन में गए, हाउ डू सेट अ एक्सेप्शन, हाउ डू सेट फॉर अ कैसे करते हैं अपन, प्रॉपर्टी नेम क्या था, मोबाइल नंबर था क्या, कैसे आएगा क्या, इसको ऑन दिखेगा नहीं उसको। कस्टमर में गए, क्या है मोबाइल नंबर्स, और लिस्ट दिया और वैल्यू दे दिया। ठीक है, आई रिमेंबर माय मोबाइल नंबर्स फ्रॉम स्टार्ट सिंस आई हैड अ मोबाइल। Okay. अब यहाँ से पास कर दिया अपन ने, अब देखते हैं इसका काम होता है। हो गया। हाय लाल सिंह, प्रोडक्ट बॉट कार मोबाइल एंड मोबाइल नंबर्स। समझ में आया क्या, समझ में आया, तो वो भी अपने को पास करना पड़ता है सिंपल के अंदर भी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट अब तो मैंने अपन ने पास नहीं किए, कस्टमर के अंदर ऑब्जेक्ट भी है वो अपन ने अभी तक पास नहीं किया और वो कुछ माइंड भी नहीं कर रहा है। अब अगर मैं डायरेक्टली डिपेंडेंसी चेक कर दूं, ऑब्जेक्ट्स क्या कर दूं मैं, ऑब क्या प्रिमिटिव दे लेगा वो ऑब्जेक्ट के लिए बम मारेगा कि मुझे ऑब्जेक्ट्स चाहिए सारे। क्या चाहिए मुझे सारे ऑब्जेक्ट्स, कौन से अपने कस्टमर क्लास में दिया है अपन ने एड्रेस पास करा गया, कितने ऑब्जेक्ट्स है अपने पास, ये दिया क्या अपन ने, हाँ इंजेक्ट किया है क्या उसको कस्टमर बीन में, तो ये कंपाइल नहीं होगा। अगर ये कोड कंपाइल हो जाए वो एक्सेप्शन नहीं आए तो आप लोगों को मैं इनाम दूंगा। इनाम आ गया, समझ आ रहा है, अब वहां जाने का इसके आगे पढ़ने का क्या लिखा हुआ है। अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सेप्शन एरर क्रिएटिंग द बीन विद सी1 डिफाइंड क्लास पाथ रिसोर्स unsatisfied dependency expressed through bean property a set this property value or disable dependency check for this thing, समझा। अब वो एड्रेस को सेट करो, तो एड्रेस अपने को कैसे उठाएंगे अपन, एड्रेस कैसे उठाएंगे, प्रॉपर्टी हो गया, फिर क्या करेंगे, ठीक है, पी आर ओ करते ही गिव कंट्रोल शिफ्ट आ गया, क्या नाम है उसका, ए है ना, ओके अभी क्या करने का उसका, कौन से बीन से रेफर करना है उसको, हाँ भैया तो कैसे रेफरेंस वाली बीन कैसे आती, कंस्ट्रक्टर आग में तो ऐसे आती है, रेफ रेफ से किससे आती है, रेफ से आती है, प्रॉपर्टी में कैसे आती है, प्रॉपर्टी में वैल्यू से नहीं, वैल्यू नहीं रेफ से आती है, से आती है प्रॉपर्टी नेम ए है ना स्लैश प्रॉपर्टी, और क्या है किसको रेफर कर रहा है ये, एड्रेस, एड्रेस का बीन कौन सा है, ए1 है क्या, आर यू श्योर,
ये थोड़ा सा इशू है सर, प्रॉपर्टी नेम तो ए है, बीन का नाम क्या, बीन एड्रेस वाली बीन कौन सी है, ये है ना बीन एड्रेस वाली बीन, हाँ ए वाला ये सारा दे दिया इसे, ये पूरा दे दिया, रेफरेंस कैसे करते हैं अपन, रेफरेंस वाला कंस्ट्रक्टर आर्ग में, तो ये कंस्ट्रक्टर आर्ग के थ्रू होता है, कंस्ट्रक्टर आर्ग का रेफरेंस ऐसा है, प्रॉपर्टी का रेफरेंस कैसा है, प्रॉपर्टी का रेफरेंस नेम आ गया उसका, ऐसे तो नहीं आएगा, तो ref equals to a1 का slash ref ऐसे भी नहीं है, और तरीके से ही सिंटैक्स उसका, इंजेक्ट ऑब्जेक्ट थ्रू सेटर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन ऑब्जेक्ट से करते हैं, तो क्या सिंटैक्स है उसका देखो एक बार, स्क्रीन फाइल किधर है, स्क्रीन फाइल किधर, प्रॉपर्टी स्क्रीन फाइल चाहिए, एक्सेल फाइल बता, प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टी नेम देखो, प्रॉपर्टी कैसे बोल रहे हैं आप, प्रॉपर्टी में नेम के बाद फॉरन क्या, ओके ऐसा ऐसा ऐसा, ओके 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 क्या ऐसा है क्या, आई वाह गुड ऐसा है, ठीक है ऐसा है डायरेक्टली, प्रॉपर्टी नेम कर दिया मैंने ए, और क्या दे दिया उसको ए वन, अब ये किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट है, तो अभी एरर निकल जाना चाहिए, ओके अभी ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, आउटपुट कैसे चेक करेंगे अपन, तो यहाँ पर कस्टमर के अंदर उसने ए को इंजेक्ट कर दिया, तो ये कौन से क्लास का है, एड्रेस है, और मुझे उसका दिखाना है बिल्डिंग नेम, क्या दिखाना है बिल्डिंग नेम के लिए कौन सा गेटर कौन सा है, जब बाहर से दिखाना तो गेट करना पड़ता, क्या करना पड़ता, तो गेट बी नेम, तो अब यहाँ जाएंगे अपन कस्टमर पे जाएंगे अपन, और चलो एक सिंपल सा इको ले जाए डिस्प्ले एड्रेस, तो लंबा हो गया ना, तो पब्लिक वाइड डिस्प्ले एड्रेस, और क्या करेंगे अभी ए डॉट क्या गेट बी नेम, और भी कुछ करना है आपको तो वो भी कर सकते हैं आप, ए डॉट गेट हाउस नंबर, ठीक है ये दो चीजें डिस्प्ले कर दिया, तो अभी अपना यहाँ जाएंगे और क्या क्या कॉल करेंगे कस्टमर, हाँ भाई गेट बी नेम, तो बी नेम को गेट अपने एड्रेस क्लास में अपन है, तो एड्रेस क्लास में अपने सारे एट्रीब्यूट्स है ना, तो उसके अपने सारे गेटर सेटर बनाए अपन ने, तो सारे गेटर सेटर बनाए हैं, तो उसका गेट कर रहा है, तो सेट कर रहे हैं और गेट कर रहे हैं, तो अपने को इस क्लास के बाहर इनके एट्रीब्यूट शूट करना है और पब्लिक को रीड करेगी गेटर सेटर, गेटर सेटर रीड करेगी, यहाँ पर अपना गेट बी वन किया, कस्टमर से क्या करना डिस्प्ले एड्रेस करते हैं, नाउ लेट्स रन इट, यस भाई ओके, बिल्डिंग नेम और हाउस नंबर जो भी आया है, यस नो मे बी, और अगर नन करने का रहेगा अपने को, तो सबसे अपने नन कर दिए कि भाई नहीं चाहिए कुछ, या भी कैसे आपको जो दिखा इसमें कैसे वैल्यूज था नन कर दे क्या आएगा,
ठीक है, ये आ गया वापस, ठीक है, सिंगलटन्स, नन किया मैंने, ठीक है। अब मैं किसको भी नहीं देता हूं, किसको भी नहीं देता हूं, लेट्स से ये कस्टमर है ना, ना 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 किसको भी नहीं देने का, तो ऐसा ब्लैंक बनाना है अपने, यहां से लेके यहां तक किसको भी नहीं दिया मैंने, ठीक है, एरर नहीं आएगा, आउटपुट कुछ आएगा नहीं, क्या बोल रहे, सपोर्ट डिफाइनिंग बीन फॉर रूट ऑफ हायरार्की, फैक्ट्री हायरार्की, डिफाइनिंग बीन्स ड्राइवर क्लास, ये सब आया, डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री, डिफाइनिंग बीन्स फॉर पी वन ए वन कॉल वन और सी वन, रूट ऑफ फैक्ट्री हायरार्की, एक्सेप्शन थ्रेड में नल पॉइंटर था क्योंकि अपने इसको दिए नहीं, अपन उनको यूज कर रहे तो नल पॉइंटर पे चला गया, अपन ने कुछ दिए नहीं है तो वो नल पॉइंटर में चला गया था, ऐसे कुछ हो गया, कुछ भी नहीं आ रहे, भैया अपन ने डिस्प्ले एड्रेस में वो डिस्प्ले कर रहे थे ना, जब अपन ने कुछ पास ही नहीं कर डिस्प्ले क्या करेगा, तो नल पॉइंटर दिखा रहा, समझ रहा है, नन दिया तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, विच इज सेम एज डिफॉल्ट, तो एंड विच इज द फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल राइट, डू वी हैव ऑल ऑल्सो अलोंग द ऑप्शंस, कस्टमर एंड डिपेंडेंसी चेक इक्वल्स टू, यू हैव व्हाट, यू सी दिस ऑल, द फर्स्ट ऑप्शन ऑल, तो इसमें दिया मतलब सबके सब देने पड़ेंगे कंपलसरी, कोई भी छोड़ देंगे तो वो एरर देगा, तो ये अपने सी नंबर को दिया, सी नेम को दिया, प्रोडक्ट स्पॉट को दिया, मोबाइल नंबर्स को दिया, और किसको देना है एड्रेस को भी दिया, सबको दे दिया ना, एड्रेस एक, तो कितने कस्टमर में कितने हैं, डेटा मेंबर्स कितने हैं, प्रॉपर्टीज कितने हैं, एक दो तीन चार और ये पांच, कितने हैं, पांच है, तो मैंने यहाँ पर एक दो तीन चार और पांच सबको दे दिया, ओके, सी नंबर को निकाल देते, सी नंबर को नहीं देते हैं, तो क्या बोलेगा वो, क्या बोलेगा, आया, और क्या एरर रहेगा, दुनिया अनसैटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सेप्शन, सी वन में नहीं आ रहा है अनसैटिस्फाइड, कि सी नंबर के लिए नहीं दिया है, उसको सेट करो या तो उसका चेक निकालो, ठीक है, कोई शक, कोई शक नहीं,